सो इट्स क्वारंटीन डे 7 और बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। हो हो हो, व्हाट इज अप ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय एंड इफ यू लव स्नीकर्स देन यू आर एट द राइट प्लेस। दिस इज योर बॉय जनीर अली सानी फ्रॉम स्नीकर्स एंड जनीर विद अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। मेरी पिछली वीडियोज में मैंने इजी 350 ई हील का अनबॉक्सिंग और रिव्यू दिया था और मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए दैट यू मेंशन दैट यू हैव ज़ीब्रास एज वेल इन योर कलेक्शन। और मुझे जो है बहुत सारे लोगों के धमकी वाले भी मैसेजेस आए कि भाई नेक्स्ट वीडियो जो है वो ज़ीब्रास पर होनी चाहिए। एंड सो आई गिव इट अ थॉट एंड आई रियलाइज दैट व्हाई शुडंट आई मेक अ वीडियो ऑन इजी ज़ीब्रास। सो ये वीडियो आपकी पुरजोश फरमाइश पर हाजिर है। सो इजी 350 ज़ीब्रास आर वन ऑफ दो स्नीकर्स जो कानिए ने वर्जन 2 के अर्लीस्ट एडिशंस में निकाले थे और कानिए ने उसके साथ साथ और भी बहुत सारे कलर्स निकाले जस्ट लाइक फ्रोजन येलोज, ब्लू टिंट्स, बेलुगास 1.0 एंड 2.0 एंड देन देयर वाज ज़ीब्रास। When version 2 came out, बहुत सारे लोगों को version 2 बहुत पसंद आए because of the amazing boost technology used on that silhouette. But version 1 ने इतना कमा लिया था कि version 2 के लिए कोई hype की need ही नहीं पड़ी। Version 2 were the hypest shoes ever. And this is the reason why version 2 were more successful than version 1. So here is the box of Easy 350 ज़ीब्रास and it is a typical 350 Easy box. As you can see that there is 350 written on the front side of the box and there is Boost written on the side of the box. And here it is written that these are Easy Boost 350 made by Adidas and adidas.com/Kanye. और यहाँ पर ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉक्स हेयर आर द साइजिंग चार्ट और इस साइजिंग चार्ट में जो है मेरा साइज लिखा हुआ है विच इज़ 10/44 और ये जो है टिपिकल इजी बॉक्स है विच हैज़ द रिटेल प्राइस। सो इजी 350 ज़ीब्रास रिटेल प्राइस आर $220 और ये जो है एक टिपिकल $220 जो है वो हर इजी 350s के रिटेल प्राइजेस होते हैं। बट लेट मी चेक ऑन StockX दैट हाउ मच दीज पर्टिकुलर ज़ीब्रास आर गोइंग ऑन द रीसेलिंग मार्केट। सो इजी 350 ज़ीब्रास आर गोइंग ऑन द रीसेलिंग मार्केट ऑफ $304 एंड द रीज़न वाई इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द टिपिकल 350 ईजीज आर बिकॉज द कलर कॉम्बिनेशन यूज ऑन द सिलहुएट। हमारे पाकिस्तानियों का एक टिपिकल माइंडसेट है कि हम अगर कोई भी स्नीकर लेने जाएं तो हम या तो वाइट लेंगे या तो ब्लैक लेंगे और ये सिर्फ पाकिस्तानियों का माइंडसेट नहीं है, ये शायद पूरी दुनिया का माइंडसेट है क्योंकि वो जो है ब्लैक और वाइट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बनिस्बत दूसरे कलर्स के। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई ज़ीब्रास वर इन सो मच डिमांड बिकॉज इट हैज़ बोथ ऑफ द कलर्स ब्लैक एंड वाइट और ताकि आप जो है इसे किसी भी आउटफिट के साथ आप इसे रॉक कर सकते हैं। So let's check what is inside this box and let's check that what are the ज़ीब्रास in real. So here is the box of Easy 350 and I am going to pull this out and I hope it doesn't fart. So yeah, it didn't fart. So I think that this box is legit. Here are the ज़ीब्रास. That I have pretty much worn these silhouette and they are one of my favorite silhouette because of the color combination and the zebra print on these silhouette. As you can see that it is a typical 350 silhouette which has a prime knit upper and there is the cross knitting which is done from the toe box till the tongue of this silhouette. Speaking more like a river.
and you can see that there is this SPLY350 written on this silhouette. Also, there is a pull tab, which I think is kinda decent because I love sneakers with pull tab, and this is the reason why Zebras are one of my favorites. And as you can see that the inner sole has Adidas Zebras written on them. The outer sole and one flaw of Zebras are that if you are going to wear them to inke jo outer soles hain wo thore se jo hai na yellow hona shuru ho jayenge, and it doesn't bother me because shoes are meant to be worn, aur agar wo थोड़े से येलो हो जाते हैं तो मुझे इतना मसला नहीं है. हो सकता है कि शायद आपको मसला होना शुरू हो जाए, बट आई कीप देम क्लीन एवरी टाइम आई वेयर देम. एंड अनदर थिंग इज़ दैट देयर इज़ द बूस्ट टेक्नोलॉजी ऑन द आउटसोल, एंड दीज बूस्ट टेक्नोलॉजी इज़ अमेजिंग. दे आर सो कम्फर्टेबल, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई एडिडास इज़ नोन फॉर देयर कम्फर्ट, बिकॉज ऑफ द अमेजिंग टेक्नोलॉजी दे हैव बीन यूजिंग. I have to say, Adidas sneakers are more comfortable than Nike sneakers, and this is period. So here is the proof that we can literally bend these, and you can see these. And another thing is that these are washable. तो अगर ये गंदे भी हो जाते हैं तो आप इसे जो है आराम से इसे जो है आप वॉश कर सकते हैं, और इसके जो मटेरियल्स हैं वो फिर डिस्ट्रॉय नहीं होंगे. तो ये जो है बहुत ही अमेजिंग सा स्नीकर है. अनदर थिंग इज़ दैट दीज आर द अर्ली रिलीजेज ऑफ द वर्जन 2s, सो दैट्स वाई दे डोंट हैव एनी ट्रांसपेरेंट स्ट्राइप हियर, एंड आई डोंट माइंड दैम बींग ट्रांसपेरेंट और नॉट, बिकॉज ट्रांसपेरेंट होने से ये होता है कि आपने अंदर जो मोज़े पहने हैं वो जो है सी थ्रू हो जाते हैं और लोग जो है देख सकते हैं कि आपने कौन से कलर के मोज़े पहने हुए हैं. बट आई डोंट माइंड दैम बींग ट्रांसपेरेंट और नॉट, बिकॉज इन बोथ ऑफ द केसेज आई लव दी स्नीकर्स. मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अपने ऑन फीट रिव्यूज़ क्यों नहीं करते हैं. मैंने स्टार्टिंग में किए थे, बट फिर उसके बाद जो है पता नहीं मैंने क्यों वो छोड़ दिए. तो मुझे जो है बाकायदा लोगों के मैसेजेस आए हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू डू एनी ईजी अनबॉक्सिंग देन यू शुड डू ऑन फीट रिव्यूज़. सो हेयर आर माई ऑन फीट रिव्यूज़ ऑफ ईजी 350 ज़ेब्रास. That was my on feet review and a small unboxing of Yeezy 350 Zebras. Do let me know that it is a cop or a drop scene for you guys. So make sure you follow me on my Instagram to know the latest updates of my giveaways and my recent videos. And make sure you like, comment and subscribe to my channel and hit the bell icon to know the latest updates of my videos. This is Zaneer Ali Sani from Sneakers and Zaneer, over and out. Allah Hafiz.